हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके ही चैनल द जोश एक्सपेरिमेंट, जहां हम आपको साइंस रिलेटेड नॉलेज एंड ग्रेट साइंटिस्टों के बारे में बताते हैं, जिससे आपकी नॉलेज एवं साइंस सब्जेक्ट के प्रति आकर्षण बढ़ता है एवं आपको साइंस में रुचि आती है और आपको साइंस पढ़ने में आसानी होती है। आप इसी तरह अगर अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं एवं साइंस से जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए आपके ही चैनल द जोश एक्सपेरिमेंट को, जहाँ से आपको साइंस से रिलेटेड नॉलेज एवं ज्ञान के बारे में और साइंस द ग्रेट साइंटिस्टों के बारे में पता चलेगा, जिससे आप उनके सक्सेस को देखकर खुद सक्सेसफुल होना चाहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं द जोश। जे थॉमसन की, जो कि वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट साइंटिस्टों में आते हैं, जिनका जन्म 18 दिसंबर 1856 में हुआ था और डेथ 30 अगस्त 1940 में। यह एक अंग्रेज भौतिकी वैज्ञानिक थे, जो कि रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन यानी इंग्लैंड में रहते थे। इनका सबसे बड़ा खोज इलेक्ट्रॉन था, जिसके कारण इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। थॉमसन गैसों में बिजली के चालन पर अपने काम के लिए भौतिकी में 1906 नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए। उनके छात्र बहुत कामयाब हुए, जैसे कि कई साइंटिस्ट निकले। उनके साथ छात्रों में उनके बेटे जॉर्ज पेजेंट थॉमसन सहित सभी भौतिक विज्ञान में या तो रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेता बने। उनका रिकॉर्ड केवल जर्मन भौतिकी आर्नल्ड सोमरफेल्ड के बराबर है, जो कि लंदन के बहुत बड़े भौतिक शास्त्री माने जाते हैं। जीवन, जोसेफ जॉन थॉमसन का जन्म तो आपको बता ही चुके हैं। उनकी माँ का नाम एमा स्वीडन एक स्थानीय कपड़ा उद्योग से जुड़े परिवार से थी। इनके पिता जोसेफ जेम थॉमसन पुराने दुर्लभ किताबों की दुकान चलाते थे। जॉन थॉमसन के 2 साल छोटे एक भाई फ्रेडरिक विनास थॉमसन भी थे। इनकी शुरुआती शिक्षा एक छोटे से प्राइवेट स्कूल, जहां उन्होंने अद्भुत प्रतिभा और विज्ञान में रुचि का प्रदर्शन किया, से हुई थी। एवं इनके पिता की योजना यह थी कि इन्हें शार्प स्टीव्ड एड में, जो रेल इंजन बनाती थी, एक ऑपरेटिंग इंजीनियर के रूप में दाखिला करा दिया जाए, लेकिन योजना का किराया नहीं हो पाया क्योंकि इनके पिता की डेथ यानी देहांत हो गई, जिसके बाद वे कॉलेज में भर्ती हो गए। कॉलेज में गणित में बीए की उपाधि प्राप्त की। उसके बाद वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में कैवेंडिज प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स चुने गए। यह नियुक्ति काफ़ी आश्चर्यजनक थी, क्योंकि उन्हें प्रतिस्पर्धी जैसे कि रिवार्ड ग्लेजुक इनसे उम्र में भी बड़े थे एवं थॉमसन से अधिक प्रयोगशाली थे। थॉमसन को मुख्य इनके गणित में किए कार्यों के लिए जाना जाता था एवं गणित में इन्हें एक असाधारण प्रतिभा के रूप में पहचाना जाता था।
थॉमसन आधुनिक विज्ञान के क्षेत्र में एक प्रतिभा संपन्न अध्यापक के रूप में दिए सामने आए साइंटिस्ट होंगे। आधुनिक विज्ञान के क्षेत्र में एक प्रतिभा संपन्न अध्यापक के रूप में दिए गए उनके योगदान को अत्यंत महत्वपूर्ण स्वीकारा जाता है। उन्होंने सबसे मूलभूत इकाई के बारे में खोजा, जो कि अत्यंत कठिन था। वैज्ञानिक जीवन। थॉमसन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय तथा रॉयल इंस्टीट्यूशन लंदन में भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर मानद प्रोफेसर रहे। परमाणु संरचना में थॉमसन की विशेष रुचि थी। मोशन ऑफ वर्टेक्स रिक्स पर उन्हें पुरस्कार मिला। थॉमसन का इलेक्ट्रॉन खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज विभिन्न वैज्ञानिकों जैसे विलियम प्राउट और नॉर्मन लॉकयर ने यह सुझाव दिया कि परमाणु कुछ अन्य मूलभूत इकाइयों से मिलकर बना हुआ है, लेकिन उन्होंने इस लघुत्तम आकार वाले परमाणु हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ माना। परंतु साइंटिस्ट थॉमसन ने पहली बार सुझाव दिया कि इसकी मूलभूत इकाई परमाणु से हजारवें भाग से भी छोटी है। इस तरह उन्होंने उप परमाणु कण सुझाव दिया, जिसे इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है। थॉमसन ने यह कैथोड किरणों के गुणधर्म पर अन्वेषण करते हुए पाया। पहली अपनी खोज में पाया कि कैथोड किरणें उस समय इन्हें लैंड किरणों के नाम से जाना जाता था हवा में परमाणु आकार वाले कणों से कई गुना अधिक तेजी से गति कर सकती है। इसी तरह उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की। इसके बाद उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और अंततः इस ग्रेट महान साइंटिस्ट जे.जे. थॉमसन की मौत देहांत हो गई, जो कि 30 अगस्त 1940 को हुआ था। और इन्हें